मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला और अखिलेश जी ने मुझे इस अवार्ड के काबिल समझा। और ये अवार्ड मैं डेडिकेट करूँगी हर उस स्मॉल टाउन गर्ल को जो सपने देखने की हिम्मत करती है और उसे पूरे करने की ताकत रखती है। बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी फ़िलहाल 2022 में मेरा एक हॉटस्टार, एक अमेज़ॉन प्राइम के लिए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं, हमारा शूट हो चुका। और अभी फ़िलहाल मैंने जी म्यूज़िक के लिए एल्बम करा है और अभी कई एल्बम्स आ रहे हैं, लेट्स सी। यस, मैं खुद भी कुछ प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ काफ़ी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। सो लेट्स सी, अभी तो मई जून तक हो जाएंगे रिलीज़। मुझे काफ़ी डीएम्स भी आ रहे थे, काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे कि कब रिलीज़ हो रहा है प्रोजेक्ट। तो ऑफकोर्स 2022 के मिड तक मेरे सारे प्रोजेक्ट्स रिलीज़ हो जाएंगे। थैंक यू। सो कुछ नहीं, काम करने का जुनून है, मेरे फॉलोअर्स का सपोर्ट है, मेरे फैंस का सपोर्ट रहा है हमेशा से, उनसे ही ये इंस्पिरेशन मिलता है और मैं खुद से वो इंस्पिरेशन ढूंढती हूँ कि यस, मुझे कल से आज और आज से कल बेहतर बनना है। आज 2022 का बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड जा रहा है दीपक जी को। अच्छा, आई एम मिस्टर नितेश शाह, सेलिब्रिटी डिज़ाइनर, और अवार्ड मुझे बेस्ट डिज़ाइनर का मिला है 2022 दादा साहेब फाल्के अवार्ड। मेरा डिज़ाइनर स्टूडियो है, सेलिब्रिटी डिज़ाइनिंग करते हैं हम 20 इयर्स से, इंडिया को पूरा डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट्स देते हैं, ऑल वेस्टर्न एंड इंडो वेस्टर्न वेडिंग कलेक्शंस भी है इन आवर स्टूडियो मुलुंड में, एकदम बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बनाते हैं। वेडिंग कलेक्शंस भी है, ऑल कस्टमर्स के लिए भी बनाते हैं, अच्छा सा इन बजट। ओके, और थैंक यू सो मच अखिलेश सर, मेरे को नेपाल से इनवाइट किया आज दादा फाल्के अवार्ड के लिए। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच ऑल टीम। आई एम एक्ट्रेस मॉडल इन नेपाली फिल्म इंडस्ट्री नेपाल, और ये अवार्ड मेरे लिए आज का दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू। सबसे पहले गाली दूंगा तेरे को। क्या बोलूँ, हर बार की तरह जो दादा साहब फाल्के जी, अखिलेश जी ने अवार्ड दिया है हमें और उन्होंने ये काबिल समझा कि हमारी जो एनजीओ काम करती है वो इसी तरह करती रहेगी, और हर साल हम इस तरह नॉमिनेट होते रहे दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए। अभी तो ये सेकंड अवार्ड है हमारा। भाई आप क्या कहेंगे, आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत सारी खुशी हो रही है मुझे। सॉरी, नहीं, जो हम काम अच्छा करते हैं, जो हम सोशल काम अच्छा करते हैं उसके रिलेटेड में हमको ये अवार्ड मिला है, बस बहुत खुशी हुई है हमें। बहुत सारे प्लान हैं, बट फिलहाल अभी जो फोकस है हम लोगों का वो अन्नदान के ऊपर है, और एट प्रेजेंटली जैसे आपको पता ही होगा कि हम लोगों ने अभी तक 7 लाख लोगों तक हम पहुंचे हैं, और कोशिश करेंगे कि भाई इंडिया में, पूरे इंडिया में जो भी लोग भूखे पेट नहीं सो सके, तो हमारी एनजीओ वही कोशिश कर रही है कि अन्नदान के ऊपर हम आगे बढ़ते रहे, और हमारे एनजीओ की तरफ से वो जो भी हमारी किट है वो हम पहुँचाते रहे। थैंक यू। किस? सो मैं पढ़ लूँ? सो इट्स रिटन बेस्ट एक्ट्रेस इन फीमेल फॉर कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, तो मुझे
बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मेरा कुछ रंग के लिए. इट फील्स गुड क्योंकि इट्स रियली एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी रिसीविंग एन अवार्ड एज बिग एज दिस. तो आई थिंक यू नो इट्स सो सून जस्ट डूइंग टू शोज और ये अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है, एटलीस्ट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. और ये सब पॉसिबल नहीं होता अगर मुझे राइट सपोर्ट और बैकिंग नहीं मिलता, अगर अप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो यू नो सम वे यू नीड इट. एंड मेरे फैंस, मेरे EJFPNs हैव ऑलवेज बीन देयर एंड सपोर्टेड मी अलॉन्ग विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स. सो थैंक यू एवरी वन फॉर दैट. थैंक यू. आई एम जस्ट वेयरिंग ऑल ब्लैक because black is my color, so I'm wearing this lehenga and beautifully styled by my stylist. मेरा कोई प्लान नहीं है, मुझे पता भी नहीं था आज 13 है, कल वैलेंटाइंस डे है. तो कोई प्लान नहीं है. आई थिंक जब लोग सिंगल होते हैं ना तो किसी बात का महत्व नहीं होता वैलेंटाइन डे, जब कपल होते हैं ना तब बहुत मनाने का शौक होता है सबको. सो फॉर मी राइट नाउ आई डोंट केयर. लव इन एवरी वे इज़ डिफरेंट क्योंकि इन एवरी रिलेशनशिप लव इज़ डिफरेंट. समटाइम्स लव इज़ अंडरस्टैंडिंग, समटाइम्स लव इज़ कंपेनियनशिप, समटाइम्स लव इज़ फ्रेंडशिप. I wish her all the very best and I have not really watched Nagin to be honest. So, but I've मतलब बहुत अच्छा शो है और बहुत उसका अलग ही फैन बेस है, तो आई एम श्योर इट विल डू वेल. नथिंग एज ऑफ नाउ दैट आई कैन शेयर. I would only like to say that thank you for all the love and appreciation shown towards me over the years, and this is also dedicated to all you guys. Thank you. अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बस मैं इतना कह सकती हूँ कि आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द इंटायर टीम ऑफ बाबा साहब पालके इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स, जिन्होंने मुझे कंसिडर किया कि मैं एलिजिबल हूँ और मुझे ये अवार्ड दिया. तो थैंक यू सो मच. आई एम वेरी लकी एंड वेरी ऑनर्ड एंड हम्बल्ड. जिस तरह से आपके शो को प्यार मिल रहा है, टीआरपी के मामले में हो या फिर ऑडियंस जिस तरह से रिस्पांस मिलता है, उसको लेकर क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? बहुत खुशी होती है और जब ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करती है, आपको इतना सारा प्यार आप पे बरसाती है, तो एक तरह से एक यू आर सेटिस्फाइड कि आप जो रोल अदा कर रहे हो वो दूसरों को दिल तक अगर पहुँच जाए तो बस फिर बात ही क्या है. सच में कहूँ तो जो मैं किरदार अदा कर रही हूँ राखी लूथरा का, मैं अपने हकीकत के जीवन में बहुत सिमिलर हूँ टू राखी लूथरा. तो आई थिंक इट्स जस्ट डेस्टाइंड कि मुझे ये रोल मिल गया और ये किरदार मुझे अदा करना था. इट वॉज जस्ट दैट मैं जो हूँ वो मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ. नथिंग न्यू. थैंक यू. जी अब तो बस आई एम वेरी बिजी डूइंग कुंडली भाग्य एंड द शो इज़ डूइंग वेरी गुड एंड बिसाइड्स दैट आई डोंट हैव टाइम टू टेक अप एनीथिंग एल्स. तो जो कर रही हूँ बहुत खुश हूँ उसी में. ऑफकोर्स देयर इज अ वेरी बिग बज़ इन मार्केट अबाउट द लॉकअप शो और ये पहला बालाजी टेलीफिल्म्स का एक रियलिटी शो आ रहा है. सो इट्स अप टू द ऑडियंसेज एंड आई नो दे आर गोइंग टू लव इट बिकॉज बालाजी ऑलवेज कम्स अप विद समथिंग न्यू एंड समथिंग दैट हिट्स यू. सो दिस इज दैट शो. माई वैलेंटाइन इज विथ माई सन. So it's a day I will be spending with him, of course, because
जब शूटिंग के दौरान हमें ज़्यादा वक्त तो नहीं मिलता अपने बच्चों और परिवार के साथ स्पेंड करना, तो फॉर मी वैलेंटाइन इज़ स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली. सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन, लव यू ऑल. लव love is a feeling that actually cannot be described in words. बहुत गहरा शब्द है. और प्यार मिल जाए, चाहे वो अपने फैमिली से, अपने रिलेशंस में, there's nothing beyond that. There's no words to express love. It's something very deep. Thank you and happy Valentine's to you. बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे दिमाग में मैंने इतना सारा सोचा था कि यू नो मैं बहुत ही पॉइज्ड रहूँगा अपने इंटरव्यू में और बहुत ही अच्छे तरीके से दूंगा, क्योंकि दादा साहेब फाल्के जितना प्रेस्टीजियस अवार्ड मिल रहा है, जैसे ही अवार्ड मेरे हाथ में आया सब चीज़ें मतलब गायब हो गई, मतलब वर्ड्स खाली ऐसे दिमाग में आ रहे थे. बट आई एम सो एक्साइटेड एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये अवार्ड मिला. आई वर्क रियली हार्ड फॉर इट, माई टीम हैज़ वर्क रियली हार्ड फॉर इट, सो थैंक यू सो मच टू एवरी वन. एंड ये मेरा पहला अवार्ड है पर आखिरी नहीं है, बहुत सारे और अवार्ड लूंगा मैं. एंड दिस अवार्ड इज़ फॉर माई मॉम, आई लव यू मॉम. बहुत ज़्यादा, आई मीन बहुत सारे लोगों को यू नो बहुत सारे अलग अलग किस्म के अवार्ड मिलते हैं, बट आई थिंक दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड्स, एंड टू गेट इट फॉर द बेस्ट वर्सेटाइल एक्टर 2022 एंड एज योर फर्स्ट अवार्ड, मतलब दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू यार मेरे को. अब मैं आई डोंट नो, जैसा मैंने कहा वर्ड्स दिमाग में आ रहे, कितनी अच्छी चीज़ें मैंने सोची थी कहूँगा, बट अभी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है. बस मैं और मेरा अवार्ड खाली मुझे दिख रहे हैं एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई थैंक एवरीवन. मैंने बहुत तैयारियां की है, मैंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है, मेरा हेयर कट आई मेड श्योर कि बहुत ऑन पॉइंट हो, मेरा कॉस्ट्यूम ऑन पॉइंट हो. सो आई थिंक आई वाज वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है. मैं बहुत सारे अवार्ड फंक्शन में जा चुका हूँ, आई थिंक ZRA में भी गया हूँ, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई गॉट एन अवार्ड. तो आई थिंक, और मैं हमेशा यही विजुलाइज करता था कि यार एक दिन मैं भी चढ़ूंगा ऐसे स्टेज पे और एक अवार्ड लूंगा, और मेरा पहला अवार्ड ही इतना प्रेस्टीजियस है, तो आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन दिस. अब इसके बारे में आई थिंक मैं हमेशा हटके चीज़ें करता हूँ, तो आज भी मैंने कुछ वैसा ही किया है. ये जो है पिंक, जो यूजुअली लड़के नहीं पहनते हैं, बट आई थिंक यू कैन स्टिल वेयर पिंक एंड स्टिल लुक रियली कूल, रियली हॉट, रियली सेक्सी. सो आई थिंक यही मुझे कहना था कि क्योंकि मेरा होल आइडिया ही है कि सबसे हटके आपको रहना चाहिए, एंड हटके हूँ इसलिए तो सबसे बेस्ट अवार्ड मिला है पहला. बहुत सारे प्लान्स हैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, एंड ऑफकोर्स मैं जाऊँगा, वी गो फॉर अ लवली डिनर, वील गो टू सम नाइस प्लेस वेयर द टू ऑफ अस कैन स्पेंड टाइम टुगेदर. बहुत ही प्राइवेट होगा, बहुत ही अच्छा होगा, एंड आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और हाँ, शायद ये अवार्ड भी हमारे साथ ही वहाँ होगा. बहुत सारी तैयारियां की है, अब वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, बिकॉज है थोड़ा सा प्राइवेट है, मैं सब चीज़ तो आपको नहीं बता पाऊँगा, बट हाँ कुछ तैयारियां की है जो मैं आपको बताऊँगा. अब प्लान्ड अ वेरी स्पेशल डिनर फॉर हर, एंड आज रात को भी आई प्लान्ड ऑन अ फ्यू थिंग्स जो आप मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरी स्टोरीज पे देख ही लोगे. बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अभी तो मैं फ़िलहाल इसको एंजॉय करना चाहूँगा. आपको जब मैं अगली बार मिलूँगा तब मैं आपको मेरे सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊँगा. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ दोस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. देखिए, मैं पहले भी कहा है कि अवार्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब आपके हाथ में, जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा,
एक एक उस अवार्ड से आपको नवाजा जाए तो जाहिर सी बात है कि उसकी शान, अवार्ड की शान और बढ़ जाती है। और मैं क्या कहूँ, आई थिंक डेफिनेटली दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो हर कलाकार चाहता है कि उसे वो अवार्ड मिले और उस अवार्ड से उसे नवाजा जाए। तो थैंक यू जूरी जो है, जो कमेटी है, और जितने चाहने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, जितने फैंस हैं, आप लोग सब, आई थिंक मीडिया जो है, मैं हमेशा कहता हूँ मेरी फैमिली है, और पिछले 16 सालों से आप लोग ने मुझे इतना साथ दिया है, मेरा इतना साथ दिया है, और उम्मीद है कि आगे भी आप लोग बहुत साथ देंगे, क्योंकि आगे चल के बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो जिसमें आप लोग मुझे देखेंगे, जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। नहीं देखिए, खुलासा तो मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जितना मज़ा जो है अचानक आपको सरप्राइज़ मिलेगा तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। बट डेफिनेटली अब चाहे वो वेब सीरीज़ हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो टीवी शो हो, कुछ भी हो, जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखिए ऐसा है कि विद्रोही जो है डेफिनेटली बहुत इजी शो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत रही है शो में, और एक ऐसा किरदार जिसके बारे में हमने ज़्यादा सुना नहीं था, जिसके बारे में ज़्यादा लिखा नहीं था, उड़ीसा के जो हम कहें कि एक अनसंग वॉरियर, उड़ीसा के एक महान योद्धा, उनके बारे में जो है हमने शो बनाया है, उनके ऊपर है, उनकी लाइफ के ऊपर है। तो जब भी आप लोगों को वक्त मिले ज़रूर देखेगा, बहुत अच्छा शो है, लिखा बहुत अच्छा गया है, कास्ट बहुत अच्छी है, और आपको मज़ा आएगा बिल्कुल। देखिए मेरा जो वैलेंटाइन का जो दिन है वो डेफिनेटली आप लोग ने एक दिन पहले ही मेरे लिए वैलेंटाइन हो गया है, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना प्यार देते हैं मुझे। कल का दिन मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा बहुत अपने घर पे भी टाइम दूँ, नहीं तो घर के लिए मेरे दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो जिस तरह आप लोग, जो मीडिया है मेरी, आप लोग से मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो हैप्पी वैलेंटाइन्स डे आप सभी को, मेरे व्यूअर्स को, मेरी वाइफ को जो घर पर है, मेरी मॉम, आई थिंक एवरीबॉडी जिनसे आप प्यार करते हैं। आई थिंक इट्स वैलेंटाइन डे, वो एक ऐसा, हालांकि मैं मानता हूँ एक दिन नहीं, हर दिन आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, साल के 365 दिन, लेकिन कल का दिन थोड़ा हमने उसको कमर्शलाइज कर दिया है, लेकिन तो आई थिंक डेफिनेटली कल का दिन मैं चाहूँगा अपनी वाइफ के साथ अपने घर पे थोड़ा वक्त बिताना चाहूँगा। सबसे हार्ड, देखिए हर एक कैरेक्टर जो है वो अपने में बहुत ही अलग होता है, और ये किरदार जो है, जो मैं अभी प्ले कर रहा हूँ बख्शी जगबंधु का, इनके बारे में जैसे मैंने कहा ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया था, तो इनके बारे में जानना फिर प्ले करना इतना ईजी नहीं था मेरे लिए, तो ये मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट रहा है मेरे लिए जी। सर, जैसे कि आप नागिन 5 में थे सीजन में, तो आपका क्या नागिन 6 में थोड़ा कुछ कैमो दिख सकता है? वो आपको आई थिंक एकता मैम से पूछना पड़ेगा, पता नहीं, वो तो आगे चल के मुझे समझ में आएगा, बट अभी तो फिलहाल आई थिंक विशिंग द एंटायर टीम ऑफ नागिन 6 ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आई थिंक, और जब जेलर हो इतनी खूबसूरत हमारी, आई थिंक कंगना रनौत मैम, तो आई थिंक जब कंगना रनौत जी हो तो आई थिंक डेफिनेटली, और आई थिंक एकता मैम है, आई थिंक बालाजी और एमएक्स प्लेयर दोनों जब मिल जाए तो जाहिर सी बात है कुछ धमाका होने वाला है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारा धमाका हो, कुछ मसालेदार चीज़ें जो हमें देखने को मिले। थैंक यू सो मच बाबा, वो थोड़ा बैक एंड ठीक है, देखिए क्या अंदर हो रहा है, इधर से ले रहे हैं। वन सेकंड, सॉरी, आई कांट हियर एनीथिंग, कैन वी क्लोज दैट डोर? या थैंक यू। आज बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ मैं, आज मेरे डैड का बर्थडे भी है एंड आई लॉस्ट माय फादर लास्ट मंथ, सो आई एम एक्सट्रीमली इमोशनल बिकॉज मुझे आज दो अवार्ड मिल रहे हैं, अभी इसके बाद मैं नवी मुंबई जा रही हूँ एक और अवार्ड कलेक्ट करने, तो मैं बहुत खुश हूँ, बट आई विश माई डैड वॉज हेयर टू एक्चुअली सी दिस, बिकॉज मेरी जर्नी जो मुंबई में शुरू हुई थी वो मेरे फादर के साथ हुई थी, वो मेरे लिए बॉम्बे आए थे, यू नो, टू मेक श्योर ही पुशेज मी, टेक्स केयर ऑफ मी, प्रोटेक्ट्स मी, तो एंड वो जर्नी ऐसा लगता है ख़त्म हो गई उनके साथ, तो आई एम अ लिटिल I think emotional about this because I lost him, but I'm also happy because I think on his birthday if I'm getting an award, it's a great feeling. So thank you. I think any kind of appreciation जो आपको मिलती है कहीं से भी, चाहे वो आपके टीचर से मिलती थी बचपन में, आपके पेरेंट्स से मिलती है, या आपको कहीं से भी मिलती है, I think
appreciation is the most important way of moving forward for a child, for an adult. तो मैं awards को बहुत ज़्यादा मायने देखती हूँ. मेरे लिए कोई award छोटा बड़ा ऊपर नीचे नहीं है, because I think हर platform आपके लिए एक ये इंसेंटिव है कि आपको और करना है, आगे और बढ़ना है. तो आपको कभी भी किसी अवार्ड को छोटा बड़ा ऊपर नीचे या किसी भी इंसान को ऐसे करके नहीं देखना चाहिए. आप एक अवार्डी हैं, आप एक विनर हैं या आप एक नॉमिनेट नेम हैं, आपको उस पर खुशी होनी चाहिए. पीपल रिकग्नाइज यू, वो आपको देख के खुश होते हैं या आपसे और एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. तो मैं यही कोशिश करूँगी, जो मैंने ब्रेक लिया था पहले अपने करियर में, वो अब मैं अपने डैड के लिए वो सपने उनके पूरे करूँ. आई टेक ओवर हिज बिजनेस, सो मेरे पास बहुत चीज़ें हैं जो मुझे अब करनी है. तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, बट आई रियली विश कि मैं अपने फादर का नाम, जो मैं अपने नाम के साथ जोड़ चुकी हूँ ज़िंदगी भर के लिए, चाहूँगी कि मैं और रोशन कर सकूँ. एंड आई कैन मेक हिम प्राउड, नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट एक ह्यूमन बींग की तरह. वो ना हमेशा खुश रहते थे. लाइफ में कोई स्ट्रेस हो या कोई चीज़ उन्हें हर्ट करती हो, वो इंसान सिर्फ खुशी खुशी गाना गाता था. ही वुड लव टू मेक हिज सुबह की चाय, अगर मेरी दीदी घर पे नहीं आती थी टाइम पे जो खाना बनाती थी या चाय पिलाती थी उनको, वो खुद ही अपने उठ के चाय बना लेंगे. ही विल वॉश द यूटेंसिल्स एंड कीप देम ऑन द साइड. वो इंसान ने मेरे को सारे, आई थिंक चेस से लेके ड्रमी, ऊनो, माई फादर वॉज माई बेस्ट फ्रेंड. तो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं या मेरे गाय फ्रेंड्स, वो मेरे डैड के पास ना अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के ओपिनियंस लेने आते थे, उनसे लाइफ के प्रॉब्लम्स पूछने आते थे. माई डैड वॉज ग्रेट एट टेलिंग पीपल हाउ टू मार्केट देयर बिजनेसेस, सेविंग्स कैसे करनी है बच्चों को सिखाया जाती है. तो मेरे फादर ने मुझे एक बिजनेसमैन का जो नैक होता है, कॉर्पोरेट लीडर का जो नैक होता है, वो सिखाया. साथ में उन्होंने मुझे एक चीज़ ज़रूर सिखाई कि बेटा नेवर गिव अप ऑन एनी थिंग. क्या होता है ना, हम जब मुश्किल में पहुँच जाते हैं, हम लगते हैं थोड़ा और करके चल छोड़ दो, लेट्स नॉट focus on it. My dad says you have to go through the problem, because if there is a problem there has to be a solution in the world. So he would always tell me ki na logon pe give up karna unke bure waqt pe, na apne aap pe, na apne dreams pe, jo bhi aapke aspirations hain life mein, aur haste gaate rehna chahiye. Because wo yehi kehte the ki zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana. So wo mere zehen mein baat rehti hai, isliye ab you know he would always help people. तो मेरा नेक्स्ट स्टेप है उनके बर्थडे के लिए मैं ज्योति फाउंडेशन के साथ एक एक फाउंडेशन खोला है मैंने अपने फादर के लिए, जहाँ पे हम लोगों की मदद कर रहे हैं. वी डिस्ट्रीब्यूटिंग क्लोथ्स, हेल्दी सैनिटाइज्ड यू नो क्लोथ्स फॉर देम, पार्टनर्ड विद ओयो, पार्टनर्ड विद खालसा एड. पंजाब में हम ये कर रहे हैं एक ड्राइव, 22 तारीख से वो शुरू है. और मेरे डैड हमेशा लोगों की मदद ही करते थे. वो अगर उनकी वीडियोस देखोगे मेरे इंस्टाग्राम पे, तो वो हमारे जो बच्चे होते थे आसपास के प्रेस वाले के या किसी रिक्शे वाले, उनको बैठा के कैरम बोर्ड खेलते थे, बैडमिंटन कर सिखाते थे. मेरी मॉम उनको पढ़ना लिखना सिखाती थी. तो मेरे आई थिंक जहन में बस ये है कि मैं अपने डैड मॉम का जितना वो करते हैं लोगों के लिए, मैं उतना कर सकूँ. एंड ही इज़ ऑलवेज मेरे दादाजी ये कहते थे मेरे ग्रैंड फादर के, मेरे डैड के फादर, कि बेटा नाम कमाओ, पैसा खुद ही आएगा, गुडविल पे ध्यान दो. तो मेरी हमेशा ये चाह रही कि आई एम नॉट फोकस कि वो मुझे सब चाहिए, बट हाँ मुझे जो चाहिए वो अच्छा होना चाहिए कि मैं उसको आगे और निहार सकूँ. तो मेरी यही बस एक आशा रहती है कि मैं लोगों के दिल को छू सकूँ, चाहे वो बड़े काम से हो या छोटे से. मेरे डैड मेरे को लेके बहुत पोजेसिव थे, मतलब वो गुस्सेल नहीं थे बट पोजेसिव थे. तो कभी भी उनके साथ मैं कोई यू नो ओपिनियन उनसे मांगने जाती थी कि यू नो मेरी फ्रेंड के साथ ये हो गया, या मेरे साथ मेरे पार्टनर को लेके कुछ होता, तो मेरे डैड मुझे बेस्ट एडवाइस देते थे. पर डैड को कोई पसंद नहीं आता था मेरे लिए, नहीं ये नहीं, यू कैन डू बेटर. बट वो सारे फादर्स के साथ होता है. पर मेरे डैड एक चीज़ बिलीव करते थे, लिव एंड लेट लिव. मेरे डैड की लव मैरिज हुई थी और मेरे मॉम डैड बेस्ट फ्रेंड्स थे. तो मेरे डैड यही कहते कि जो आपका पार्टनर होना चाहिए या जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके हम सफ़र ज़िंदगी भर के लिए रहने चाहिए. इट्स शुड नॉट जस्ट बी अ बॉन्ड विच इज़ टेम्प्ररी. सो वो आपको सिर्फ एफर्ट, ऑनेस्टी, लव से ही वो चीज़ बनती है, रिस्पेक्ट से वो चीज़ बनती है. तो मेरे डैड मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे ओपिनियंस देते थे. काफ़ी बार मैंने उनके ओपिनियंस लेके बहुत सक्सेसफुल अपने फ्रेंडशिप्स, कलीग्स के साथ रिलेशनशिप बनाए, आज तक बनाए रखे हैं. तो यही है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, डैड कहते हैं, किसी भी रिलेशनशिप को निभाने के लिए, और रिस्पेक्ट. तो मैंने यही चीज़ सीखी. मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं आगे और
अगर मेरे अंदर कुछ चीज़ें मैं देखती हूँ कि सही नहीं है, हम नहीं देखते, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं. तो मेरे डैड कहते हैं दूसरों को ब्लेम करने से क्या फ़ायदा है, अपने अंदर देखो, तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हारे आसपास के लोग ठीक हो जाएंगे. तो मैं यही मानती हूँ. यस, बिल्कुल. मैं टिप्सी हम 15 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं. हम 5 लड़कियाँ हैं उस फिल्म में. इट्स कॉमेडी येट विद little bit of crime in it. मेरी एक फिल्म इनकम्प्लीट मैन कम्प्लीट हो गई है. मैं और मैं एक बहुत आई मीन आई विश आई कुड टेक हिज नेम बट आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट अ वेब सीरीज विद अ वेरी बिग प्रोडक्शन हाउस. दे विल बी अनाउंसिंग दिस इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आई होप मेरे बर्थडे के आसपास. तो 3 प्रोजेक्ट्स हैं ये मेरे लाइनअप में. साथ ही मेरे 2 म्यूजिक वीडियोज रिलीज होने वाले हैं. तो मैं खुश हूँ कि इस साल मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया था बिकॉज मैं कुछ और चीज़ों पर ध्यान दे रही थी अपने लाइफ में. मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रही थी. पर अब मुझे लगता है कि अगर मेरे डैड ने मुझे यहाँ तक मेरे लिए वो आए अपनी चीज़ों को साथ में लेते हुए, तो मुझे अब थोड़ी और मेहनत और एम्बिशन दिखाना पड़ेगा अपने करियर की तरफ. टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक 2 महीने से नहीं देखा कुछ ऑन टेलीविजन और ऑन द सोशल मीडिया न्यूज़, बिकॉज़ आई थिंक मेरा 1 महीने डैड के जो पूरा रहा है आफ्टर हिज डेथ, मैं बड़ी अलूफ सी रही हूँ. तो मैं आई होप उनका शो अच्छा करे. मैं यही चाहूँगी कि अगर कोई फीमेल ओरिएंटेड शो है या फिल्म है, लड़कियाँ उस पर तरक्की करें, बिकॉज मुझे किसी भी फीमेल से कोई एनिमोसिटी या जेलसी नहीं है. वो मेरे सीनियर हैं, तो मैं यही कोशिश करूँगी कि हम भी कभी इतना अच्छा काम कर सकें लोगों के लिए और कि लोग हमें पसंद करें और ऐसे सवाल हमसे भी लोग कुछ और लोगों से हमारे बारे में पूछें. तो आई ऑलवेज विश हर द बेस्ट एंड मैं जाके देखूंगी. अब आपने इस चीज़ का अगर इसके बारे में बोला है तो मैं ज़रूर जाके चेक करूंगी. एंड आई होप यू ऑल द बेस्ट मैम एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट शो. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. वेयर इज पुण्यार्थी? जस्ट अ सेकंड सिमरन. हाई एवरीबडी. हाई, थैंक यू सो मच. You know, this is my first award, so I think firsts are always special. And so I've rehearsed this for the longest time. I'm from a totally non-filmy background, and I used to stand in front of the mirror with a hairbrush, and I used to, you know, prepare my award speech. And I'm just so happy because this is something like Himani Bhatia, Best Actress in OTT for Blink Film, was something that I didn't imagine in my wildest dreams. But I guess the universe manifests, you know, a stubborn heart's wish. And that did happen. And, you know, I just want to dedicate this award to my family for taking my self-test auditions when the pandemic happened, because my career started in the pandemic for my brother and Bhabhi's constant support. And I want to dedicate this award to my fans and to all the outsiders who are trying to make it in the industry. Haan guys, ye possible hai. Aap bas koshish karo aur ye din zarur aayega. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच. मुझे बहुत खुशी हो रही है. इट्स सच अ प्रेस्टिजियस अवार्ड दादा साहब फाल्के, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट मुझे अपने वर्क के लिए रिकग्निशन मिल रहा है. एंड आई एम इवन मोर हैप्पी बिकॉज आई मेट मिस्टर गौरांग नायक जी, जो कि बहुत ही अच्छे जेनरस होटेलियर है. एंड आई हैव जस्ट गॉटन अ स्टे अप एट वन ऑफ द 5 स्टार होटल्स इन वली एज अक्रॉस इंडिया, बट आई एम गोइंग टू बी गोइंग टू द वन इन पंचगनी बिकॉज ऑफ माई बिजी स्केड्यूल. And I'm very happy because I'm here with my younger brother, and it's a very special day since I can be with my sibling here. Congratulations from my congratulations. Thank you so much, and thanks guys, thanks a lot. It's really a pleasure being here. Thank you so much to the founders of the event, and I appreciate it. So firstly, congrats bolna chahungi. Thank you so much. ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है बिकॉज दादा साहब फाल्के जी जो थे, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी ऑफ सिनेमा यू नो ईजाद की थी यहाँ पर, एंड बिकॉज ऑफ हिम आई थिंक मैं इस जगह पे पहुँच पाया हूँ और इस करियर को चूज़ कर पाया हूँ. सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड क्योंकि आज मेरे 10 साल पूरे हो रहे हैं टेलीविजन इंडस्ट्री में, और उसमें से मुझे वो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला जिन्होंने इस चीज़ को शुरू किया था. सो आई एम मोर देन वेरी हैप्पी, एंड आई थिंक अवार्ड मिलना एक इट्स अ टोकन ऑफ अचीवमेंट. आपको मोटिवेशन रहती है, आपको ये चीज़ पता लगती है कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं. एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड आई गॉट दिस अवार्ड. थैंक यू सो मच. जानना चाहूंगी जितने भी आपने कैरेक्टर्स निभाए हैं, कितना एंजॉय कर पाते हैं इन सब कैरेक्टर्स को आप?
सो आई हैव लव्ड ईच एंड एवरी कैरेक्टर बिकॉज आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं मेरी वर्सेटाइलिटी दिखाने का मौका मिला राइट फ्रॉम छल छे और माँ जो कि मेरा पहला शो था वहाँ से लेकर अभी तक तेरे बिना जिया जाए ना आई थिंक आई हैव इम्प्रूव्ड एज एन एक्टर आई हैव इम्प्रूव्ड एज अ ह्यूमन बींग दिस इंडस्ट्री हैज़ गिवन मी एवरीथिंग राइट फ्रॉम फेम लव अफेक्शन थ्रू आउट द होल वर्ल्ड आई एम सो ग्लैड दैट आई वॉज बींग पार्ट ऑफ इट आई थिंक जो मेरे पास के कैरेक्टर्स हैं उनसे मैं हमेशा डिटैच हो जाता हूँ दैट्स द होमवर्क ऑफ एन एक्टर तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने पुराने कैरेक्टर से डिटैच हो जाना सो इसलिए देवराज सिंह राठौड़ से ज़्यादा दक्ष राज सिंह राठौड़ जो कि अभी मेरा डुअल कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ दैट हैज़ बीन वेरी कॉम्प्लिकेटेड सी मैं तो एक अभिनेता हूँ मुझे जो प्लेटफॉर्म मिलेगा आई वुड बी ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट बट अभी फ़िलहाल टेलीविज़न इंडस्ट्री जो कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है वो दैट्स द बेबी ऑफ मी जिससे मेरा करियर शुरू हुआ जिससे मुझे ये सब कुछ सारी रिकग्निशन मिली सो दैट विल बी ऑलवेज माई फर्स्ट प्रायोरिटी उसके बाद जो भी आएगा सो आई विल बी हैप्पी टू डू दैट दक्ष राज सिंह राठौड़ आई एम मेरा फर्स्ट थॉट तो आई वॉज वेरी नर्वस बिकॉज आज से पहले मैंने कभी डबल रोल किया नहीं था सो देवराज सिंह राठौड़ का जो कैरेक्टर है वो करते करते मैं उसमें इतना ज़्यादा खो गया कि दक्ष जब शुरू हुआ तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होने लगी बट अब उल्टा हो गया अब दक्ष राज सिंह राठौड़ है वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो चुका है एंड देवराज मुझे परफॉर्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है मैं तो बहुत सादा हूँ मैं आई विल जस्ट गो विद माई फैमिली आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई किड्स अपनी वाइफ के साथ आई विल टेक ऑल ऑफ देम फॉर डिनर और सबके साथ मैं वैलेंटाइन स्पेंड करूँगा दे ऑल आर माई वैलेंटाइन आई एम सो सॉरी आई हैवंट वॉच दैट शो मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं थैंक यू सो मच अरे ये तो बहुत बड़ी बात है मेरा पहला अवार्ड है और इतना बड़ा अवार्ड मेरे लिए बहुत मायने रखता है मैं हमेशा जाती थी अवार्ड फंक्शंस में फिर मैं नॉमिनेट तो होती थी पर मिलता नहीं था पर आज मुझे मिला तो मैं बहुत खुश हूँ मैम जैसे कि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप एक दबंग सास का रोल प्ले करना चाहती पर आपको एकदम भोली भाली सास का रोल प्ले करने को दे दिया आपको क्या नहीं नहीं भोली भाली तो बिल्कुल नहीं है अम्मा जी बहुत स्ट्रांग लेडी है आप कभी भी देखो उनको डंबल कर रही होती है कभी क्रिकेट खेल रही होती है बहू के लिए एकदम सॉफ्ट मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली मैं बचपन से ही सास बनना चाह रही थी तो बड़े होकर के मुझे जब सास का रोल मिला तो मैं बहुत खुश हो गई और यही वजह है कि मैंने उसमें अपने सपने डाले हुए इसलिए सबको बहुत पसंद है ये रोल मुझे बहुत अच्छा लगा अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे अपकमिंग प्रोजेक्ट